जब से कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में हुआ है और भारत में लॉकडाउन की प्रक्रिया जब चालू हुई थी, तब से करीबन मार्च के दूसरे सप्ताह से व्यवहार न्यायालय पूर्ण रूप से बंद है। मांग अधिवक्ताओं की उठती रही है क्योंकि स्थिति इनकी खराब रही है। मैंने एक बात कहा था कि 4 तारीख को मैं एक रिप्रेजेंटेशन देने जाऊंगा, तत्पश्चात 29 तारीख को झारखंड स्टेट बार काउंसिल में इसी मुद्दे को लेकर एक आम सभा हुई और आम बैठक में जो है सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि एक पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास में दिया जाएगा, जिसमें 4 तारीख तक उनसे समय मांगकर इस विषय पर चर्चा कर इस पर निर्णय लेने की बात की गई थी। लेकिन एक पत्र जो है वो उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 5 तारीख को कोर कमेटी की बैठक होने की बात की गई है, तत्पश्चात 8 तारीख को बैठक होगी। लेकिन अधिवक्ताओं को जो मैसेज जा चुका है और अधिवक्ता काफ़ी रोषित हैं और उन लोगों के द्वारा रोज़ जो है सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जो अधिवक्ता है, जैसे व्यवहार न्यायालय रांची के अधिवक्ता अभी देख रहे हैं कि काफ़ी रोषित हैं, तो 6 तारीख को जैसा सुनने में आ रहा है कि इन लोग एक विरोध प्रदर्शन बाहर सिविल कोर्ट के बाहर में करेंगे, माने ड्रेस में आकर अधिवक्ताओं के द्वारा जो है वहाँ अपना प्रोटेस्ट करेंगे। इसी तरीके से तमाम झारखंड में जो है अलग अलग बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा वह प्रदर्शन किया जा रहा है। बोकारो में तो एक अधिवक्ता समूह के द्वारा अनशन पे बैठकर आज उनका हमको लगता है कि 10 या 12 दिन हो गया है जो अनशन में बैठे हुए हैं उन लोग के द्वारा। इसी तरीके से अगर वर्चुअल कोर्ट बंद कर फिजिकल कोर्ट में तब्दील नहीं किया गया तो काफ़ी रोष बढ़ जाएगा और इसका विरोध भी काफ़ी ज़ोर से अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाएगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है अधिवक्ताओं से कि संयम रखें, लेकिन अब जो है बिना प्रदर्शन किए, बिना प्रोटेस्ट किए हुए कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब जो है सर न्यायिक पदाधिकारी जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं झारखंड उच्च न्यायालय से, उनसे आग्रह है कि वर्चुअल कोर्ट को बंद कर फिजिकल कोर्ट में तब्दील करें, जिससे कि अधिवक्ताओं की जो स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार होने की संभावना बढ़े। धन्यवाद।